दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम की बल्लेबाजी को देखते हुए भारतीय दिग्गजों का ऐसा बयान आया जिसमें इंग्लैंड क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। और आखिरकार भारतीय दिग्गजों ने मुख्य तीन खिलाड़ियों को लेकर क्या बयान दिया, ये तो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि श्रीकर भारत, ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है बेहतर बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और लिसेस्टर के बीच में खेले जा रहे वार्म अप मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी, जिसमें बारिश के बार बार खलल पड़ने के कारण मुकाबला मात्र 60 ओवर का खेला गया। और 60 ओवर में भारतीय टीम ने 246 रन 8 विकेट के नुकसान पे बना दिए, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने 25, विराट कोहली ने 33, तो वहीं श्रीकर भारत ने सर्वाधिक 70 रन की पारी खेली। तो वहीं एक बार फिर हनुमा विहारी 3 रन, तो वहीं श्रेयस अय्यर गोल्डन डक के रूप में आउट हो गए और इस मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। और इसके अलावा ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 13 रन का योगदान दिया, तो वहीं उमेश यादव ने 23 रन का योगदान दिया और मोहम्मद शमी ने महत्वपूर्ण 18 रन की नाबाद पारी खेली। और भारतीय टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी पहले दिन करी तो परंतु दूसरे दिन किस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, ये कहना मुश्किल है। इसी बल्लेबाजी को देखकर भारतीय दिग्गजों ने हैरान कर देने वाला बयान दिया, जिसमें सुनील गावस्कर ने कहा कि भारतीय टीम की तरफ से इस मुकाबले में सभी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी है, लेकिन श्रीकर भारत ने सभी को अपनी बल्लेबाजी से हैरान कर दिया और दिखा दिया कि भारतीय टीम ने विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका के लिए एक और विकल्प के रूप में मौजूद है। और क्योंकि इस समय ऋषभ पंत जिस तरीके से लगातार बेकार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका फॉर्म बेकार रूप से दिखाई दे रहा है, तो उनकी जगह श्रीकर भारत अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और ऐसे में भारतीय टीम के लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी होगी कि वो श्रीकर भारत को भारतीय टीम में जगह दे या फिर ऋषभ पंत को। लेकिन इस वार्म अप मुकाबले में श्रीकर भारत ने भारतीय टीम की इज्जत बचाई है। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि भारतीय टीम की तरफ से इस मुकाबले में उमेश यादव और मोहम्मद शमी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी है, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए बेहतर गेंदबाजी हमेशा करते हुए आए हैं। और जब भारतीय टीम को बेहतरीन बल्लेबाजी की आवश्यकता होती है तो भारतीय गेंदबाज भी अपना योगदान उसमें दिखाते हैं, जिसमें मोहम्मद शमी ने भारतीय टीम के लिए तेज तर्रार बल्लेबाजी करके एक तरफ खड़े होकर श्रीकर भारत पर स्ट्राइक देने का जिम्मा उठाया और समय समय पर खुद भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। तो दूसरी तरफ उमेश यादव ने अपनी बल्लेबाजी से दूसरी तरफ खड़े बल्लेबाज को थोड़ी देर आराम करने का मौका दिया और खुद जोखिम भरे शॉट खेलने लगे और दिखा दिया कि भारतीय टीम के निचले क्रम में जो गेंदबाज हैं वो भी बल्लेबाजी करने में सक्षम है। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने कहा कि भारतीय टीम की तरफ से श्रीकर भारत ने इस मुकाबले में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी है, क्योंकि भारतीय टीम की तरफ से श्रीकर भारत जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये एक युवा खिलाड़ी है और ऋषभ पंत की जगह के लिए अब खतरा बना हुआ है। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से उमेश यादव और मोहम्मद शमी की धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसमें भारतीय टीम की पारी को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया, क्योंकि निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के बेकार होने के बाद टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया और ऐसा किया भी, जिसके कारण भारतीय टीम ने 246 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।